दुनिया भर में अभी कोरोना का कहर कम हुआ भी नहीं कि एक और वायरस ने धावा बोल दिया है। जी हाँ, चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ कोरोना वायरस के बाद अब इसी शहर से एक नए वायरस की शुरुआत हो चुकी है। जानकारों की माने तो ये वायरस कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है। वुहान में अब तक इस वायरस से किसी की मौत की खबर तो सामने नहीं आई है, लेकिन चीन के यूनान प्रांत से खबर आ रही है कि यहाँ एक व्यक्ति की हंता नाम के वायरस से मौत हुई है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि हंता फिर से कोरोना की तरह महामारी न बन जाए। बता दें कि हंता वायरस चूहों के माध्यम से फैलता है। ये चूहों को घर के अंदर और बाहर करने से फैलता है। वहीं जब हम किसी चूहे के मल मूत्र को छूते हैं और उसे मुंह तक ले जाते हैं तो ये बीमारी फैलती है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये वायरस हवा में फैलता है और अगर कोई संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आता है तो इस वायरस के फैलने का खतरा होता है। बता दें कि चीन के यूनान शहर में हंता वायरस का एक पीड़ित बस में बैठकर जा रहा था, जिसकी बाद में मौत हो गई। प्रशासन ने इसके बाद उस बस में बैठे सभी लोगों की जांच की ताकि इस वायरस के फैलने की संभावनाओं को खत्म किया जा सके। इसी बीच सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें बनना शुरू हो चुकी हैं। एक यूजर ने लिखा कि चीन नई महामारी की परियोजना पर काम कर रहा है जो चूहों को खाने से होती है। बता दें कि हंता वायरस जानलेवा है। इससे संक्रमित लोगों में मरने वालों का आंकड़ा 38% पाया गया है। इस वायरस के शुरुआती लक्षण में इंसान को ठंड लगने के साथ बुखार आता है। इसके बाद मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। एक दो दिन बाद सूखी खांसी आती है, सिर में दर्द होता है, उल्टियां होती हैं, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।